来吧，哈哈哈，啊，干嘛？Good morning, 朋友。हाँ मॉर्निंग तो गुड इवनिंग चमकी के पहले बताओ है स्वागत करो पहले एक तो स्टार्टिंग सही से क्या करो बोलो हाँ बोलो ऐसे राम राम जी दोस्तों कैसे हो आप सब आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में ये भी ना बात तो दोस्तों देख रहे हो सुबह सुबह नहीं मतलब दोपहर में कैसा चमका इसको पता ही नहीं चल रहा गेट के पास में कौन खड़ा हुआ है और ऐसा चमकती है फिर और दोस्तों आज खाने की जगह हम रसोई में आए हैं चाय बनाने के लिए तो आज की चाय बनाने वाला हूँ मैं बनाओ चलो तो तुम और मैं एक ही तो अलग अलग थो ना है बोलो कल कैसा लगा प्रोग्राम पहले तो ये बताओ कल अच्छा लगा और बाकी सबको कैसा लगा ये कौन पूछेगा मैं जाऊँ पूछना पूछो आप मैं घुमा नहीं सकता मैंने पकड़ से ही नहीं रखा फोन अभी बाकी सबको कैसा लगा ब्लॉग बताया नहीं किसी ने भी और नहीं तो बता दिया करो हमें भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ में हम कुछ सोच रहे हैं आपके लिए हमें शादी का एल्बम लाने की ब्लॉग में नहीं नहीं पक्का आज या कल मैं शूट कर दूंगा पक्का एक दो दिन में आपको दोस्तों मिल जाएगी हमारे शादी के एल्बम की वीडियो और जिस जिसको भी जल्दी है देखने की इच्छा रखते हैं कमेंट करो आज होगा आलस खत्म आज या कल बोल दिया 24 घंटे में आलस खत्म करके तुम्हारा काम कर दूंगा आज बस 24 घंटे में तो अगला दिन आ जाएगा मेरे यार तो ऐसा थोड़ा होता है यार आज कर देंगे ना तो टेंशन क्यों लेती हो चलो आज शूट कर लेते हैं आज के में अगर पूरा हो गया सही से मतलब तो फिर कल डाल देंगे परसों मतलब ठीक है अरे डल जाएगा बच्चा तो कोई नहीं दोस्तों बनवाते थे चाय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में वापस तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में लेते मम्मा को तो बोल दे चाय बना दे पापा को बोल दे मोटर चला दे और क्या बोल दे और हमारे को क्या बोली थी संजना क्या बोली थी तुम्हारे को आके मोटर बंद कर दो चाय बना दो मैं बोला मोटर चालू ही नहीं है बंद कर दो मंगवा ली ना बोल रही मिठाई लेके आओगे भी ये पसंद नहीं है मिठाई लाओ बर्फी लाओ दिलाओ ना हाँ कौन दिलाऊं कुछ भी है ना कुछ नहीं दिलाऊं किए पढ़ ले जाएगी चुपचाप है ना फिर जवाब स्टिकर तो ला दो कुछ है कुछ भी नहीं दिलाऊंगी है ना वो सी भी पढ़ रही है ना देख ले कि मम्मी आई थी जो कोई वो कौन है ना पढ़ने के लिए बैठ गई तो लो जी दोस्तों रावी का ट्रीटमेंट हो गया तभी बेटी चुपचाप से आके कैसे प्यार से बात कर रही थी अपने से बाबा कर रहे थे दोस्तों नहीं चल सकती संजना के सामने मेरी नहीं चलती और मम्मी के सामने भी मेरी नहीं चलती तो दोनों जगह मैं अटकता हूँ कुछ नहीं मन भी तैयार थी बच्ची को दिलाते दिलाते ज्यादा ही है ना हाँ वो ज्यादा माथे चढ़ जाते फिर वो चोट बता दोगे मम्मी को क्या हुई कोई नहीं नहीं बता रहे मम्मी हमारी चोटों की संजना और बहन में बाद में बताएंगे सबको फिर ठीक है दोस्तों कर लेते काम वापस जा रहा हूँ तो मम्मी आ गई थी इसलिए रुक गया चलो जी दोस्तों वापस ऊपर आ गए लामड़ी देख क्या कर रही अपना ओए लामड़ी क्या कर रही हो खाना बन गया है गैस के पूछ लिया है कि तेरे को बताना है तो मेरे को बताया था कि तुम कब पूछना है नहीं पूछना फोन नहीं कर सकती थी क्या चढ़ा हुआ है सब्जी अच्छा देखना अब मेरे को एक चीज बताओ अब वापस हाँ सब्जी चढ़ी हुई तो क्या करना है उसका सीटी आ रही है उसमें कितनी देर बंद करना है और तो अब सही से झूठ मत बोलना पहले तो ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही थी अंदर थी मैं अंदर से आके बैठी हूँ अंदर से आके बैठी हूँ इधर उठना एक बार खड़े हो ना खड़े हो ना खड़े हो ना मेरे को पोसे के लिए बोली ना अब देखे वो देखना केस इधर दिखाओ दिखाओ शकल दिखाओ हंसने की जरूरत नहीं है क्या सीटी आ रही थी मैं देख नहीं आके मैं सोची मम्मी बोल के भी नहीं गई कि कितनी देर में बंद करना है इसको और चालू है कितने साल से खाना बना रही हो तुम सही से बताना झूठ मत बोलना जितने साल से या फिर वो अभी और
पांचवी छठी क्लास से। अब देखो पांचवी छठी क्लास से दोस्त खाना बना रही है, दूसरी बात वो अभी रील्स देखी होगी आपने, सासू माँ के बोलती बेटा खाना बना दे, या पता है कि बेटा खाना बना दे, फिर वो बोलती बहू की नहीं मम्मी जी मेरे को तो खाना नहीं बनाना नहीं आता, बोले शादी से पहले नहीं बता सकते थे, तो पता क्या बोलती है सरप्राइज, तो वो वाली बात है, तुम सरप्राइज करने वाली बात करती हो। ये दोस्तों देख लो इसके लक्षण हमारे, तो मम्मी हमेशा बोलती है कि अरे हाँ पता है मेरे को तुम्हारी शक्ल से दिख रहा तुम सोके उठ के हो ज्ञानी। और दोस्तों देखो सब्जी बंगे की खराब तो बंद कर दी, छोले की तो छोले भटूरे आज भी नहीं बनने वाले, ओनली छोले की सब्जी है, भटूरे पता नहीं इनके भटूरे रात के दिल जग जाए मेरे लिए प्यार जग जाए थोड़ा सा लंबा का कि ठीक है चलो लिया मैदा और मैं बना देती हूँ, तो मैं अभी ले आऊं मैदा। सुबह के टाइम से ही लगते रात को से ही लगते हो। दोस्तों एक बात तो सुबह पहले छोले भटूरे कौन खाता है, और जो खाता है शाम को फास्ट फूड हमेशा शाम को, तेल की चीजें नहीं खानी चाहिए शाम को। तो फिर सब्जी का ही बनाती हूँ पानी में, सब्जी की नहीं नहीं सब्जी का ही बनाती हूँ पानी में, ओनली तेल में तल के बनाते ना वो चीजें नहीं। तुम बहस ही करोगी जिंदगी में, और साथ ही साथ में दोस्तों चावल जिसमें भी सफेद एकदम, ना किशमिश ना काजू ना कुछ, मतलब क्या किशमिश नहीं डलेंगे इसमें, देखो खिला के देखो इसमें हैवी है नहीं है, नहीं है। तो लो जी दोस्तों बिल्कुल प्लेन सिंपल सोबर चावल, इसको ये भी नहीं पता चावल कैसे बन रहा, और फिर आप बोलते हो कि संजना को कुछ बोला मत करो, अब बोलने पे मजबूर हूँ मैं दोस्तों। और ये स्ट्रॉबेरी चिप्स के साथ सर्व हो गया, और ये समोसा जो हमने खाया नहीं, ये बोर जो सूख गए, और ये लांबा जो सड़ रही है इधर दिखा पांदरी। तो कोई नहीं दोस्तों जाता हूँ नीचे देखो मम्मी को पूछ लो, सब्जी तो बन गई वैसे भी, भटूरे बना दे यार, मैं पूछ के आता हूँ भटूरे बना देता हूँ, ठीक है प्लीज। तो दोस्तों बने रहो व्लॉग में, मिलते हैं आप थोड़ी देर में। बोली बोली अभी समझेंगे भी नहीं कुछ भी बोले मत। तो ये देखो दोस्तों आज इस लड़की का हम क्या करें समझ नहीं आते, नाटक तो देख रही है आप, क्या करें इसका लंबू चुप रहो बस ही दे ये सर तू तेरा बिस्तर संभाल क्या फालतू का ये चुप बाबू बाबू ओ मेरा बच्चा हम दोनों मनाएंगे क्या हुआ बता, तो ऐसे गंदी गंदी बातें क्यों करते हो आप, छोरी को रुलाया मत करो, रुलाया क्या करो इसके काम गलत नहीं है, अच्छी लड़की है 3 दिन में तुम्हारे से एक चीज ये लोग म्यूट बाबू दीदी ये सब तुम्हारी वजह से, तुम माथे चढ़ा रखी है उसको, मेरे पास नहीं करती था। सही बात है। तो दोस्तों ब्लॉग को आज यही कर रहे हैं एंड, क्योंकि राबी का मूड सही नहीं, और आज हमारा पूरा दिन भी थोड़ा यूं ही निकला है, आज उठपटांग चीज हुई है, तो मम्मी ब्लॉग को करते हैं यही एंड, राबी मैडम बाय, आग लगाते ना राबी की तरफ से, और मिलते हैं आपसे कल एक और न्यू ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर करते रहना।